ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए बलविंदर चलने वाला है नई चाल। अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बलविंदर बाथरूम से बचकर निकल जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश ही कर रहा होता, तभी ऋषि उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो लक्ष्मी के ऊपर हमला करता है। जैसे ऋषि और लक्ष्मी को बचाने की कोशिश करता है बलविंदर, तभी ऋषि के हाथ में बॉटल मार देता है। ऋषि को चोट भी लग जाती है, ऋषि उसके पीछे भागता है लेकिन लक्ष्मी उसे रोक देती है। तभी ऋषि रुक जाने वाला है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि आयुष का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि आयुष कहाँ चला गया है। बलविंदर के घर से गायब होते आयुष भी गायब हो जाता है। तभी यहाँ देखेंगे ऋषि और लक्ष्मी पुलिस को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तभी घर पे पुलिस आती है और यहाँ पे पता करने की कोशिश करती है कि आयुष के साथ आखिरकार क्या हुआ। वही दादी काफी ज्यादा डर जाने वाली है जब पुलिस को घर पे देखती है, क्योंकि आयुष का कुछ पता नहीं चल रहा था। दादी को लगता है कि आयुष के साथ कोई घटना तो नहीं हो गई है। इधर देखेंगे बहुत ही जल्द बलविंदर का नया किरदार देखने को मिलेगा। बलविंदर यहाँ पंडित के वेश में नजर आएगा और पंडित बनकर यहाँ ऋषि और लक्ष्मी को दूर करने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा।